Hello friends, my name is Trupti and again welcome back to your channel NPC where you can learn all the concepts related to physics. And today we will learn whenever the charged particle moves in a magnetic field, then what happen? Okay, it will deflect. So what is the reason behind this? Okay, simply we can say if a charged particle deflect, then फोर्स विल बी ऑकर. ठीक है, वहाँ पर फोर्स लग रहा है. अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, देन उस पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इसी कारण से वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर आप मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगा, वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो सब. ओके, एंड आगे लॉरेंट फोर्स भी डिस्कस करने वाले हैं. लॉरेंट फोर्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. एंड यस, आपने लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज की लिंक है. वहाँ आपको बायो सेवर्ट लो, एम्पियर सर्किट लो, सोलेनोइड टॉरॉइड सभी के लिंक गिवन है, सो यू कैन इजीली वॉच दैट वीडियोज. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द बायो सेवर्ट लॉ. ओके, इन बायो सेवर्ट लॉ वी हैव टू स्टडी अबाउट इफ करंट मूव्स इन अ करंट कैरिंग वायर, देन अराउंड दैट वायर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मीन्स अगर आपने एक करंट कैरिंग वायर लिया है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, सपोज हमने आई करंट मान लिया, आई करंट फ्लो हो रहा है, देन अगर आपको इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देन वी कैन यूज बायो सेवर्ट लॉ. ओके, अगर आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देन वी कैन यूज बायो सेवर्ट लॉ. फॉर यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, वी कैन इजीली फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर. ओके, एंड डायरेक्शन को हम कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करना है, आपको करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है एंड फिंगर्स कर्ल करना है. ठीक है, फिंगर्स कर्ल किया पॉइंट पी की तरफ. ठीक है, इनसाइड हो रहा है, सो यहाँ पर इनसाइड डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस का यूज करेंगे. तो इस तरह से हमने क्या किया है, बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड कर लिया था. ठीक है, अब हम इसी पॉइंट पर एक चार्ज क्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, इनिशियली चार्ज रेस्ट पर है. ठीक है, अभी क्या है, रेस्ट पर है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट आई है, इन द सेंस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के साथ चार्ज क्यू जब रेस्ट में होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में, सेकंड केस में हम देखते हैं कि इसी करंट कैरिंग वायर के पॉइंट पी पर चार्ज क्यू को रखें एंड वी वेलोसिटी से इसे मोशन करवाएं. ठीक है, वी वेलोसिटी से इसे मोशन करवाएं, देन वी हैव टू ऑब्जर्व इट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम दिस करंट कैरिंग वायर. ठीक है, मीन्स यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड जो मूविंग चार्ज है उस पर उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन द सेंस उस पर फोर्स क्रिएट होगा. ओके, उस पर फोर्स क्रिएट होगा और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे यहाँ, एंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा. मीन्स एक सिंपली इक्वेशन है फोर्स की, क्यू इंटू वी क्रॉस बी. ओके, दिस बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वील टॉक अबाउट द डायरेक्शन. ठीक है, सो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज टू मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, उससे हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी. एंड सेकेंड वन इज राइट हैंड पाम रूल. ठीक है, अब वो कैसे यूज करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की बात करें. ठीक है, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है. अब हम एक डायग्राम के थ्रू, हमने यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बना लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने चार्ज क्यू को वी वेलोसिटी से मूव करवाया. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस है, इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है. ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज क्यू है और वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स. अब हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है इस डायग्राम में. ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे, सो ओके, आपकी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडल फिंगर को वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, देन वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, थंब आपका ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा. ओके, तो पहले इस डायग्राम में हम इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, सो हमने जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो इनसाइड कर लिया है. ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया. ठीक है, देन थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड. ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड कर सकते हैं. नाउ
नेक्स्ट है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। सो राइट हैंड पाम रूल में थंब आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, एंड आपका जो पाम होगा वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। अब वो कैसे आपको यूज करना है देखिए, सबसे पहले आपको आपका राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की फिंगर्स को आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इस तरह से हम इनसाइड डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, ओके, ये इस तरह से। और जो पॉइंट थंब पॉइंट करेगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली आपका जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सो पाम के परपेंडिकुलर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, ओके। इसी तरह से आप कुछ एग्जांपल्स लेके इन दोनों रूल्स को सीख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इतना ही देखते हैं। सो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये अब फोर्स किस किस पॉइंट पर जीरो होगा, फोर्स कब कब जीरो होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपने चार्ज को जीरो कर दिया देन फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ओके। सेकंड वन इज वेलोसिटी जीरो, जब चार्ज रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लगा, अभी यहां पर भी हमने देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में है कोई फोर्स नहीं लगेगा देन फोर्स जीरो। एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, जब जीरो हो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है देन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज जब हम वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी का सिंपली मीनिंग ये है कि अगर वी एंड बी किसी एक प्लेन में है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है या फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। मीन्स अगर आपके ये टू वेलोसिटी है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मीन्स वो फोर्स वी के भी परपेंडिकुलर होगा एंड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं देन वी हैव टू यूज साइन थीटा, ठीक है। सो क्यू वी बी साइन थीटा, एंड यहाँ अगर थीटा की वैल्यू को अगर जीरो ले लें तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, सीओ, सो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, सो फोर्स विल बी जीरो, ओके। सो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स के लिए बेसिकली आपके पास अगेन हम एक मूविंग चार्ज को सपोज करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, इन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और इनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड यहाँ चार्ज क्यू है वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। एंड यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लें, ठीक है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी सपोज कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करें, सो ई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन अ चार्ज इज बेसिकली नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई, ओके। सो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास आया एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करें, ठीक है, हम मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी लिख लेते हैं एंड इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई लिख लेते हैं, दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया, सो नेट फोर्स आपके पास आया एफ इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ ई, ओके, या एफ ई प्लस एफ बी ये भी लिख सकते हैं, एफ ई प्लस एफ बी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स, सो बेसिकली दिस इज द लॉरेंट्ज़ फोर्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। सो दिस इज डन फॉर द टुडे सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में हम मूविंग चार्ज के ट्रेजेक्ट्री पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन्स मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसका पाथ किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।